उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व डोईवाला विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के पूर्व सैनिक देश सेवा करने के बाद निस्वार्थ भाव से जनहित कार्य में जुट जाते हैं। सेना की तैयारी करने वाले युवकों के लिए यह सैनिक निशुल्क ट्रेनिंग सेंटर चलाकर एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं और इन कैंपों के जरिए हजारों युवा ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य संवार चुके हैं। साथ ही कहा कि केंद्र व राज्य सरकार भी लगातार पूर्व सैनिकों के हित में कार्य कर रही है और सैकड़ों के नाम शहीद सैनिकों के नाम पर रखे जाने के साथ ही राज्य के विश्राम गृह पूर्व सैनिक के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स व NDA की तैयारी करने वाले छात्रों को 1,00,000 रुपये तक की धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है। हमने उन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनका सुहाग इसमें गया। किसी हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हम पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो देश की सीमा पर हमारा जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशियों को गुना बढ़ा दिया है, हमने डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशियों को गुना बढ़ा दिया है और सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर